किसी ने क्या खूब लिखा है, उम्मीदों की कश्ती को डुबोया नहीं करते, उम्मीदों की कश्ती को डुबोया नहीं करते, मंजिल दूर हो तो थक कर रोया नहीं करते, मंजिल दूर हो तो थक कर रोया नहीं करते। रखते हैं जो दिल में उम्मीद कुछ पाने की, रखते हैं दिल में उम्मीद कुछ पाने की, वो लोग जिंदगी में कुछ खोया नहीं करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। हरियाणा जीके भाई सुमित भारद्वाज। दोस्तों आज मैं आपको हरियाणा के जो प्रसिद्ध गुरुद्वारे हैं उनके विषय में बताता हूँ, और आपको ये गुरुद्वारे अच्छी तरह याद भी हो जाएंगे, क्योंकि हम HSSC के जो एग्जाम देने जाते हैं, हमारे जो दक्षिण हरियाणा के युवा साथी है ना, वो क्या जाते हैं वहां पे, उत्तर हरियाणा और पश्चिम हरियाणा में जाते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं सभी से कि गुरुद्वारा कहाँ पे है। भाई साहब अपनी सबसे फेवरेट चीज है गुरुद्वारा, और गुरुद्वारा कैसे है, लंगर और भंडारो दक्षिण हरियाणा युवाओं के लिए प्रसिद्ध चीज है ये। भाई साहब क्वेश्चन भी आएगा तो भी याद हो जाएगा, और वैसे हमको गुरुद्वारा भी पता चल जाएगा वहां पर कौन सा गुरुद्वारा है, किस जिले में कौन सा गुरुद्वारा है। तो देखिए मैं आपको ट्रिक के माध्यम से सभी गुरुद्वारे बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है गुरुद्वारा मांझी साहिब, मांझी साहिब गुरुद्वारा, साहिब गुरुद्वारा। दोस्तों ये जो गुरुद्वारा है इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा है मांझी साहिब गुरुद्वारा। हरियाणा में लगभग 4-5 हजार स्थानों पर स्थित है। अगर मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊं आपको, तो देखो मंजीत को कल करनाल में 5 आम मिले, 5 आम मिले। दोस्तों एक ट्रिक बनाई कि मैंने मंजीत को कल करनाल में 5 आम मिले, क्योंकि काफी युवाओं की एक सोच होती है कि ट्रिक से बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, तो वही बात की है मैंने, मंजीत को कल करनाल में 5 आम मिले। दोस्तों मंजीत हमारा गुरुद्वारा है, मांझी साहिब गुरुद्वारा। अब हमें देख रहे हैं कौन कौन से जिले या कौन से स्थान पे है। दोस्तों कल से क्या बन गया, कैथल, करनाल से करनाल जिला ही हो गया, 5 से दोस्तों पंचकुला, और दोस्तों आम से कौन सा हो गया, अंबाला। इन 4 स्थानों पे कौन सा गुरुद्वारा स्थित है दोस्तों, मांझी साहिब गुरुद्वारा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है दोस्तों, HSSC में कौन सा ऑप्शन आता है, वैसे इंपॉर्टेंट अंबाला और करनाल वाला है, इन दोनों में मिलता है ऑप्शन, पहले इनको लगाना आपको। ठीक है, मांझी साहिब गुरुद्वारा कैथल में है, करनाल में, पंचकुला अंबाला में स्थित है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट जो गुरुद्वारा है उसके हम ऊपर डिस्कस करते हैं, गुरु सिंह सभा, गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा, गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा। दोस्तों इसकी हम बात करते हैं दोस्तों, गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा ये भी मांझी साहिब की तरह काफी जगह पे, हरियाणा में काफी स्थानों पर है। ट्रिक की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ट्रिक गुरु जी ने सोनी के सिर के हिस्से नारनौल में किए। दोस्तों गुरुजी है उसने सोनी नाम की कोई लड़की, उसे सिर के 2 हिस्से कर दिए, गांव पे कर दिए नारनौल। एक ट्रिक के माध्यम से बस समझाया जाएगी आपको गुरुद्वारे। तो दोस्तों गुरु से ध्यान रखना, गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा इन्हीं में आते हैं, सोनी सिर हिस्सा नारनौल। ठीक है, किनके स्थानों पर, देखो दोस्तों गुरु से कौन सा जिला बनता है, गुरुग्राम। सोनी से आपको दिमाग में चलना चाहिए डाटा, सोनी से सोनीपत। सिर से देखो कौन से जिले में आते हैं, सिर सा हिसार, हिसार नारनौल, नारनौल कहां में पड़ता है दोस्तों, महेंद्रगढ़ में। दोस्तों गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा इन स्थानों पे है,
गुरुग्राम में है, सोनीपत में, सिरसा में, हिसार में, कहाँ पे है, नारनौल तहसील या महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है गुरु सिंह सभा जो गुरुद्वारा है दोस्तों, ये गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा ही थे दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, दो इंपोर्टेंट गुरुद्वारे कराता हूं मैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं, काफी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। एक पंचकुला जिला का है गुरुद्वारा दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट गुरुद्वारा पंचकुला जिला का, कौन सा है, नाडा साहिब, नाडा साहिब गुरुद्वारा, नाडा साहिब गुरुद्वारा दोस्तों, ये गुरुद्वारा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नाडा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है, पेपर में बहुत ज्यादा बार आ चुका है, नाडा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे, पंचकुला में। अगर नहीं भी याद रखता, देखो ध्यान रखना, नाडा नाडा नाडा, आप हमारे हरियाणा की जो वेशभूषा है कुर्ता पजामा, पुरुषों का कुर्ता पजामा में जो पजामा होता है उसमें क्या लगते हैं, नाड़ा होता है, नाड़े में कितनी गांठ लग गई, पांच गांठ लग गई दोस्तों, ध्यान रखना नाड़े में कितनी गांठ लग गई, पांच गांठ लग गई है। तो नाडा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे दोस्तों, पंचकुला जिला में स्थित है। उसके बाद है दोस्तों एक जिंद जिला गुरुद्वारा इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जिंद वाला भी, धमतान साहिब गुरुद्वारा, धमतान साहिब गुरुद्वारा दोस्तों, धमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है, जिंद जिले में, ये भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट गुरुद्वारा, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। अगर आपको ध्यान नहीं रहता, देखो ध्यान रखना, धैम में करते हो ना, बोलते रहोगे धन निकलेगा बीच बीच में, धम 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 धन, ठीक है ऐसे आवाज आएगी। तो देखो धन की बात करते हैं, हरियाणा का जो काला सोना कहते हैं, मुर्रा भैंस को कहते हैं, किसको, मुर्रा भैंस को कहते हैं काला सोना, मुर्रा भैंस दोस्तों, ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक गोल्ड मुर्रा भैंस होते हैं, कहां पे, जींद में है। जो मुर्रा भैंस है दोस्तों, इनको किस किस संज्ञा दी गई है, एशियन ट्रैक्टर की संज्ञा दी गई है, एशियन ट्रैक्टर की संज्ञा दी गई है मुर्रा भैंसों को दोस्तों। मैं आपको बता दूं, जो भारत की भैंसे हैं, भारत की भैंस, भारत भारतीय भैंसे हैं, भारतीय, उनको क्या कहते हैं, जल भैंस कहते हैं, जल भैंस, या इनको जल परी के नाम से भी जानते हैं, जल परी के नाम से जानते हैं भारतीय भैंसों, क्या कहते हैं, जल परी या जल भैंस भी जानते हैं दोस्तों। और जो विदेशी भैंस होती है ना, विदेशी भैंसे, उनको कहते हैं दलदली भैंसे, दलदली भैंसे भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम धमतान साहिब गुरुद्वारा जींद में है, और नाडा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है, पंचकुला में, दोनों के दोनों वेरी वेरी इंपोर्टेंट गुरुद्वारे दोस्तों। उसके बाद हम नेक्स्ट गुरुद्वारों की बात करते हैं दोस्तों, रोहतक जिले के गुरुद्वारों की बात करते हैं, रोहतक जिले में, रोहतक जिले में दो गुरुद्वारे हैं इंपोर्टेंट है दोनों ही दोनों। अगर मैं आपको ट्रिक बताता हूं, बंगला बंगला लाखों में है, लाखों में है दोस्तों। आपने कहीं पे कोई बंगला देख लिया होगा, अच्छा घर देख लिया, आपके दिमाग में एक सोच आती है, ये जो बंगला, ये जो घर है, लाखों में एक देखा मैंने, बहुत ही सुंदर पेड़ को देखा है। तो बंगला से देखना दोस्तों क्या बन गया, बंगला साहिब गुरुद्वारा, बंगला साहिब गुरुद्वारा बन गया दोस्तों। उसके बाद है जो नया गुरुद्वारा, लाखों लाखों के दोस्तों आपके दिमाग में चल रहा होगा, मुझे पता है कौन सा होगा, लाखन माजरा, लाखन माजरा गुरुद्वारा, दोनों के दोनों दोस्तों कहां पे है, रोहतक में, और दोनों के दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। बांगला साहिब गुरुद्वारा कहां पे है, रोहतक में है, लाखन माजरा गुरुद्वारा कहां पे दोस्तों, रोहतक जिले में, दोनों के दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गुरुद्वारे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कुरुक्षेत्र जिले के गुरुद्वारे, कुरुक्षेत्र हमारी जो धर्म नगरी है उसके विषय में पढ़ते हैं, उसके गुरुद्वारे में बात करते हैं दोस्तों। यहाँ के लगभग 6-7 गुरुद्वारे हैं जो प्रसिद्ध हैं, यहाँ से पेपर में काफी बार आता है यहाँ से भी। तो एक ट्रिक बताता हूँ दोस्तों मैं, छठी के दिन, मतलब क्या होगा, छह दिन आपको छठी करना है, छठी के दिन 9-10 बजे, 9-10 बजे होते हैं, तीन दोस्त जाते हैं राज करने जाते हैं, क्या करने, राज करने। वो राज कैसे करते हैं दोस्तों, जोर जोर से करते हैं, क्या काम कर लेते हैं, वहां बाहुल मचा देते हैं, वहां पे बाहुल दोस्तों। ये ट्रिक है, चठी के दिन
9-10 बजे तीन दोस्त ताश करते हैं, ताश वगैरह खेलते, चट्टी में आप जाते हो भाई, ताश तो खेलते हो वहां पे भाई, और एक तो नाली बड़ी कैसे जाता है ज्यादा है ना। हाँ, जोर जोर से किया आवाज करते हैं भाई साहब, तो वहां का क्या जो आस पास का माहौल माहौल होता है वो भजन कीर्तनों से आवाज से क्या करते हैं, राज करते हैं उससे। ये ट्रिक थी दोस्तों इसकी। चटी से देखो 6 से क्या बन गया दोस्तों, चटी पातशाही गुरुद्वारा, पातशाही गुरुद्वारा बन गया दोस्तों, ठीक है। 9 से क्या बन गया दोस्तों, नौवीं पातशाही, नौवीं पात साई गुरुद्वारा हो गया। 10 से क्या हो गया दोस्तों, दोस्तों 10वीं पातशाही, पातशाही गुरुद्वारा हो गया। 3 से क्या हो गया दोस्तों, त्रिवेणी, त्रिवेणी गुरुद्वारा हो गया दोस्तों। रात से दोस्तों राजघाट गुरुद्वारा हो गया, राजघाट गुरुद्वारा। जोर से जोरा साहिब, जोरा साहिब गुरुद्वारा, जोरा साहिब गुरुद्वारा हो गया। बाउल से दोस्तों बाओली गुरुद्वारा, बाओली या बाहोली गुरुद्वारा दोस्तों, कुछ भी आ सकता है, जैसा सी है कुछ भी दे सकती है, आपको पता है बाओली गुरुद्वारा दोस्तों, ठीक है। ये जो गुरुद्वारे हैं कहाँ पे हैं, कुरुक्षेत्र जिले में दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चटी पातशाही गुरुद्वारा, नौवीं पातशाही गुरुद्वारा, दसवीं पातशाही गुरुद्वारा, और वैसे सारे सारे इंपॉर्टेंट ही है जो ज्यादा है, चटी, नौवीं, त्रिवेणी, राजघाट, लगभग एग्जाम में घूमते रहते हैं चार गुरुद्वारे दोस्तों। तो ध्यान रखना, चटी के दिन चटी होती है, जब बच्चा जन्म लेता है उसके 6 छठे दिन चटी होती है बच्चों की, लड़के की। 9-10 बजे तीन दोस्त घर से निकलते हैं, राजघर में राज करेंगे, ताश खेलेंगे, हंसी मजाक करेंगे, वहां पर जोर जोर से ताश खेलेंगे, और वहां का जो माहौल है वो क्या कर देंगे, शोर शराबे से मचा देंगे। ये कहाँ के गुरुद्वारे हैं, कुरुक्षेत्र जिले के गुरुद्वारे हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों सिरसा जिले के गुरुद्वारों की बात करते हैं, किसके, सिरसा जिले के गुरुद्वारे दोस्तों। सिरसा जिले की बात आते ही यहाँ की प्रसिद्ध गुरुद्वारे हैं, ट्रिक बताता हूं मैं आपको। गुरुजी चोर को देखकर चिल्ला उठे। गुरुजी है भाई सिरसा जिला में, अभी सुनारिया जी रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। गुरुजी चोर आएगा वहां पे, और वहां पे उसको देख क्या कर रही, चिल्ला के गुरु जी अभी सुना लिया जेल में, भाई रेस्ट कर रही, चोर आ गए उनके घर पे, और चिल्ला उठे मैं चोर आ गया, चोर आ गया, ठीक है भाई। गुरु जी किन के लिए, गुरु जी आपका गुरु जी, तो अगर कमेंट्स में करके युवाओं दोस्तों जरूर बताइयो कि सुना लिया वाला गुरु जी मेरा गुरु जी था, क्या चीज आपने अगर बतानी जरूर से भाई, आपका गुरु जी था मेरे पास क्या बतानी आपने। तो ध्यान से देखो, गुरु से भाई कौन सा हो गया, गुरु सिंह सभा, मैंने पहले ही करवा दिया आपको, गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा दोस्तों कहाँ पे है, सिरसा जिले में। गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा कहाँ पे है, सिरसा में है दोस्तों। नेक्स्ट, चोर मार संहिता, चोर मार संहिता गुरुद्वारा भी कहाँ पे है, सिरसा जिले में है। और जो नंबर 3 है, चिल्ला साहिब या चिल्ली साहिब दोस्तों, चिल्ली साहिब एक ही बात है, चिल्ली साहिब गुरुद्वारा, ये सब कहां पे दोस्तों, सिर्फ तीन गुरुद्वारे हैं, गुरु सिंह सभा, चोर मार संहिता, चिल्ली या चिल्ला साहिब गुरुद्वारा कहां पे है, सिरसा जिले में स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आगे, नेक्स्ट जो गुरुद्वारा करते हैं, कैथल जिले के गुरुद्वारे की बात करते हैं। कैथल दोस्तों हरियाणा में जो गुरुद्वारों की नगरी किसको कहते हैं, कैथल जिले को कहते हैं, गुरुद्वारों की नगरी कैथल कहते हैं इसको, ठीक है। गुरुद्वारों की नगरी किसको कहते हैं, कैथल। जबकि हम आपको प्रसिद्ध जो गुरुद्वारे हैं वही कराऊंगा, एग्जाम में लगभग वही आते हैं। जब मैं आपको ट्रिक बताता हूं इसकी, कैथल की, देखो मंजीत ने गुरु की टोपी, की टोपी नीम पर डाली, नीम पर डाली,
भाई मंजीत नाम का लड़का है, शरारती है और अपनी गुरुजी की टोपी कहाँ पे डाल देता है, नीम पे डाल देता है दोस्तों। ठीक है, ये कैथल जिले के प्रसिद्ध जो गुरुद्वारे हैं उसकी ट्रिक है। अब देखो कौन सा भाई, मंजीत से मैंने आपको पहले कराया था मांझी साहिब गुरुद्वारा, मांझी साहिब गुरुद्वारा दोस्तों, ठीक है कैथल जिले में है। उसके बाद है गुरु से, दोस्तों यहाँ पे जो गुरु है ना इसका गुरु सिंह सभा मत नहीं आएगा, इसका गुरु सिंह सभा नहीं आएगा, इस स्थान पर है गुरु नानक देव गुरुद्वारा, गुरु नानक देव गुरुद्वारा। टोपी से दोस्तों, टोपियों वाला गुरुद्वारा, टोपियों वाला गुरुद्वारा। नीम से दोस्तों, नीम साहिब गुरुद्वारा। तो दोस्तों ये चार गुरुद्वारे कहाँ पे हैं कैथल जिले में। नीम साहिब गुरुद्वारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहा जाता है दोस्तों, सुना है कि इस गुरुद्वारे में जाने से लोगों की बीमारियां समाप्त हो जाती है, कौन से में, नीम साहिब गुरुद्वारे में। नीम साहिब गुरुद्वारे में जाने से लोगों की जो बीमारियां कष्ट होती है ना समाप्त हो जाती है, ऐसा सुना है, किताबों में भी लिखा है। अगर भाई साहब आपने रियल सच्ची बात है तो ये बात एक बार कमेंट्स में जरूर करके बताना कि नीम साहिब गुरुद्वारे में वास्तव में ऐसे ही है क्या इसमें। ये तो भाई कैथल जिले के थे गुरुद्वारे दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट गुरुद्वारों की बात करते हैं अंबाला जिले के, अंबाला जिले के गुरुद्वारों की बात करते हैं दोस्तों। अगर हम ट्रिक की बात करते हैं मंजीत लखा के साथ, लखा के बाद करना है, मंजीत लखा के बाद संगति में गंदा हो गया, गंदा हो गया मंजीत लखा के बाद संगति में गंदा हो गया दोस्तों। ये गुरुद्वारे हैं कहां पे, अंबाला जिले से। देखो आराम से नोट कर लीजिए, कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं। मंजीत नाम का लड़का है वो लखा के साथ रहता था, वो लखा के साथ था भाई। लखा हमारे सिंगर है, बहुत अच्छे सिंगर है, बाबा श्याम जी के भजन गाते हैं। मंजीत जब लखा के साथ रहता था तो बहुत अच्छा था, उसके बाद संगति छोड़ने के बाद वो कैसा हो गया मंजीत, गंदा बच्चा हो गया। ये ठीक है भाई, तो मंजीत से दोस्तों क्या हो गया, मांझी साहिब गुरुद्वारा, मांझी साहिब गुरुद्वारा। लखा से दोस्तों लखनौर सिंह साहिब गुरुद्वारा। उसके बाद लखनऊ सिंह साहिब गुरुद्वारा दोस्तों कहां पे, अंबाला में, मांझी साहिब। मैंने लगभग कराता रहा हूं चार जगह पे है अंबाला में। बादशाही बाग गुरुद्वारा, बाग गुरुद्वारा दोस्तों अंबाला में है। उसके बाद संगति साहिब गुरुद्वारा, संगति साहिब गुरुद्वारा दोस्तों कहां पे, अंबाला में। और जो लास्ट है अंबाला गेंदा साहिब, गेंदा साहिब गुरुद्वारा कहां पे है, अंबाला। तो ये हैं अंबाला जिले के गुरुद्वारे हैं, मंजित लाखों के बाद, लखा के बाद संगति गंदा हो गया, मांझी साहिब, लखनौर सिंह साहिब, बाद साहिब, संगति साहिब, तो गेंदा साहिब गुरुद्वारा कहां पे है, अंबाला जिले में। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों यमुनानगर जिले के गुरुद्वारों की बात करते हैं। यमुनानगर में जिले में जो गुरुद्वारे हैं, यमुनानगर में दोस्तों, यमुनानगर में तो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कपाल मोचन गुरुद्वारा, कपाल मोचन मंदिर भी है दोस्तों, कपाल मोचन गुरुद्वारा कहाँ पे है, यमुनानगर में। कपाल मोचन गुरुद्वारा कहाँ पे दोस्तों, यमुनानगर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कपाल मोचन गुरुद्वारा कहाँ पे है, यमुनानगर में। और एक यहाँ पे है गुरु अगमपुरा गुरुद्वारा, गुरुद्वारा दोस्तों ये जगाधरी यमुनानगर में है। गुरु अगमपुरा जो गुरुद्वारा कहाँ पे है, जगाधरी में है, गुरु अगमपुरा गुरुद्वारा जगाधरी में है, कपाल मोचन कहाँ पे है, यमुनानगर में। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नारोल में की बात करते हैं, नारोल। और
और नारनौल कहां पे पड़ता है? महेंद्रगढ़ में है। अगर ट्रिक की बात करते हैं दोस्तों, नारनौल जिले के दो गुरुद्वारे हैं। ट्रिक की बात करते हैं, गुरु की सभा में दस गुरु आए। गुरु की कोई सभा थी, उसमें मात्र 10 गुरु आए थे दोस्तों। तो देखो यहां से हम बात करते हैं, गुरु की सभा में 10 गुरु, तो यह हो गया गुरु सिंह सभा, गुरुद्वारा नारनौल में है दोस्तों। और है गुरु दशमेश सिंह गुरुद्वारा, दशमेश सिंह गुरुद्वारा, ये कहां पे दोस्तों? नारनौल में। दोस्तों ये नारनौल के प्रसिद्ध गुरुद्वारे थे दो, गुरु दशमेश, गुरु सिंह सभा। हरियाणा के प्रसिद्ध गुरुद्वारे हैं दोस्तों, ये मैंने आपको करवा दिए हैं। लव भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन पुट करती है और ट्रिक के माध्यम से करवाती है आपको। अगर आपको बेस्ट लगता है, अच्छा लगता है, प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट करके सभी बताया करो कि हाँ जी थोड़ी क्या कमी है, इसमें थोड़ी आवाज नहीं आ रही। जो भी है, आप सभी ने राम राम, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।